नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं भैया, वीडियो। और वो वीडियो अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसन हमरा देश का, हमरा प्रदेश का बड़ा नाम उज्जवल हो रहा है। तो भैया, आज हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये वीडियो हमारे बीसी विभाग के लोग देखें, क्योंकि बीसी के अलावा भी अन्य लोग भी देखेंगे। और जब इसको पब्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन भी देखेगा। अक्सर मैं देखता हूं कि हमेशा अधिकारी लोग भैया अपना बनाने के चक्कर में जूनियरों की इज्जत ना करते। और मैं अगर खुली भाषा में बात बोलूं भाई, बोलूं कि ना बोलूं, बोल दूं ना वैसे भी आप सब अपने आदमी हो तो बोलना तो बनता ही है। चलिए बोल देते हैं। आज आपको बता दें कि वो दुर्दशा है भाई साहब सरकारी विभागों में कि चौकीदारों के साथ तो जो सत्यानाशी हो रही वो तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में जो हमारे अधिकारी महोदय हैं, अरे महोदय साहब आप बुरा मान जाओगे अनु त्रिपाठी की बातों को सुनकर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे अधिकारी गंदे होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनका इंतजाम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब, मैं अक्सर देखता हूं कि चाहे वो थाना हो या वो अन्य विभाग हो, अगर मैं थाने की बात कर लूं तो भाई साहब कांस्टेबल की दुर्दशा भी बड़ी खराब रहती है। एक कांस्टेबल ड्यूटी करता है 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे, और कभी भी उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है। और ड्यूटी की बात करूं तो जाने कितने घंटों की ड्यूटी करे कोई पता नहीं। कोरोना काल में तो बिचारों ने 24-24 घंटे ड्यूटी की है सिपाहियों ने। हालांकि जो दरोगा साहब भी है उनको भी ऐसी स्थितियां उनके साथ भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ईमानदारी से जीना चाहता है, जो मेहनत परिश्रम करना चाहता है, उसके साथ हमेशा ऐसी स्थितियां प्रकट होती हैं। तो आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को देखिए। ये वीडियो महाराजगंज जिले का बताया जाता है, महाराजगंज जिले का ये थाना है, और उस थाने का वीडियो है जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि वहां पर एक SHO साहब भैया पीछे हाथ करके खड़े हैं। पता काहे कि चौकीदार, देखिए भविष्य चौकीदारों का बन रहा है, दिख रहा है ना आपको वीडियो में, ये भविष्य चौकीदारों का है। और फिर क्या कहते हैं अधिकारी लोग, चौकीदारों का कोई काम नहीं होता है। क्या बोलते हैं, चौकीदारों का कोई काम नहीं होता, चौकीदार कुछ करते नहीं है। उनकी रिपोर्ट शासन तक पहुंचाते हैं निगेटिव लिख करके, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब गलत रिपोर्ट, कि चौकीदार का कोई काम ही नहीं है, चौकीदार तो कुछ करते ही नहीं है। इस तरीके का सिस्टम हमारे अधिकारी महोदय हमेशा बनाते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन इस वीडियो को आप गौर से देखिए कि SHO साहब को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हमारे जो नेतागण है, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उनको लगना चाहिए कि SHO साहब बड़ी मेहनत करवाते हैं। लेकिन शायद SHO साहब को यह ना पता है कि चौकीदार अब सोया नहीं है, अब चौकीदार सोशल मीडिया का हीरो बन गया है। और हीरो इसलिए बन गया है कि जब हम जैसे लोग पैदा होते हैं तो हीरो तो हम बनाते ही। तो आज जो सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना चल रहा है, तो वीडियो वायरल होने में समय नहीं लगता। भाई ने हमारे पास वीडियो भेजा, मैंने तो भाई इधर छाप दिया। तो भैया अगर आप ऐसी समस्या है तो अनु त्रिपाठी दिखा सकते, और लोग ना दिखाने वाले, इस बात को रख लेना नोट करके। हाँ बात अलग है कि तुम्हारा मामला हम जैसे जैसे हाईलाइट करेंगे, ओके बात, तो बहुत सारे मीडिया वाले भागे चले आएंगे कि भैया बटोर लो चौकीदारों को, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ हैं। बंदर ने वीडियो भेज दिया और मैंने ये देखिए डाल दिया। इस वीडियो को आप खुद देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, साक्षात चल रहा है, इसको देखिए। SHO साहब को लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं, लेकिन SHO साहब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और शासन के लोगों से भी मैं एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूं कि चौकीदार कोई हाउस कीपर नहीं है, चौकीदार कोई सफाई कर्मी नहीं है, चौकीदार कोई खाना बनाने वाला नहीं है, चौकीदार कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। इंसानियत और प्रेम में तो भगवान भी रूठ मान जाते हैं। अगर इंसानियत और प्रेम से कहोगे तो चौकीदार तो तुम्हारी चड्डी भी धो देंगे, लेकिन अगर एक्शन में बोलोगे और बोलोगे कि काम नहीं करोगे तो ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो दुनिया की धमकी देते हो ना साहब, ये गलत बात है।
इस तरीके की बर्बरता बहुत ज्यादा ना चलने वाली, ये कुछ दिन की बर्बरता है और कुछ दिन बाद इसे समाप्त तो करके मानेंगे। इसलिए अपील करना चाहूंगा उन सभी थानों पर, निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए आपका अपना एक आपस में प्रेम संबंध में अपना एक दूसरे का काम कर लो वो चलता है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी से आप करा रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो काम है वो करेगा, नहीं करेगा, समझ रहे हैं, नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा तो उसका पैसा लेगा, सीधी सी बात है। तो भाई साहब आपको हमने वीडियो तो दिखाई दिया है, अब ये वीडियो कैसा लगा ये जरा हमें जरूर बता दे, और हमारा जो बोलने की स्टाइल है ये स्टाइल में अच्छा लगता है आपको कि नहीं, या हम प्लेन बोलते हैं तब अच्छा लगता है, तो हमको बता जरूर देना। जब बता दोगे ना तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपके बीच में अन्य अन्य एक्टिविटी के साथ आपकी खबरों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे कुछ उत्तराखंड के भाई मुझे फोन करके बोले, अनु भैया आप यूपी के लिए तो बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, लोगों का प्रेम है, प्यार है। उत्तराखंड के बंधुओं ने कहा कि भैया आप हमारे भी मुद्दे को उछालिए, हम लोग भी 200-250 की संख्या में इकट्ठा होंगे। मैंने उनसे बोल दिया है कि आप लोग एकजुट होइए, अपने यूपी के साथ उत्तराखंड के लोगों की भी आवाज उठेगी, क्योंकि उत्तराखंड भी एक यूपी का हिस्सा था लेकिन सरकार की वजह से उसे अलग कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम एक साथ मिलकर, चौकीदार पूरे देश का चौकीदार है, चौकीदार में कोई भेदभाव नहीं, इस बात को ध्यान रखना। आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, अच्छा लगा हो दबा कर शेयर करना, दबा कर लाइक कमेंट करना, अपने अधिकार के लिए बोलना, बोलोगे ना तो बोल दो दबा के और शेयर कर दो, जन जन तक हर थाने तक वीडियो पहुंचाओ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।